भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य एवं चीयर्स फॉर इंडिया गोरखपुर के प्रवासी डॉक्टर विवेकानंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन में युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भेजकर कोई भी भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य एवं चीयर्स फॉर इंडिया के प्रवासी डॉक्टर विवेकानंद सिंह ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद सिंह है, मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूं और महानगर का इस कार्यक्रम का प्रवासी हूं। आज हमारा देश ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहा है और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे देश की एक रजत पदक हमारे देश ने जीता है। आदरणीय मोदी जी एवं देश के योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के अनुसार, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुरसार जी के कथनानुसार, डॉक्टर धर्मेंद्र जी के निर्देशानुसार चीयर फॉर इंडिया के तहत युवा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चला रही है, जिसके तहत हम लोग ऑनलाइन लोगों से प्रतिभाग करने के लिए कह रहे हैं और इसे अभी 127 लोगों का प्रतिनिधिमंडल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत आने वाले वर्षों में हमारी सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, चाहे खेलो इंडिया के तहत, कि हम ये चाहते हैं, भाजपा सरकार चाहती है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक युवा टोक्यो ओलंपिक में जाए और भारत का नाम रोशन करें।